जो दवा सुई दिया है उसको दिया था काटेगा है भूल इंजेक्शन हाँ भूल दिया जाकर उसको सुई को काट रहा था दूसरा सुई लिख रहा था इसको पकड़े हम लोग इसको पकड़े हैं तो बोलता है डॉक्टर का कि हमारा हार्ट अटैक हमारा उसका बाना मार रहा है कि हमारा हार्ट अटैक आ जाए आ जाए। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। রবিবার সকাল 7:30 নাগাদ বুকে ব্যথা নিয়ে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন জগদ্দল কলাবাগান 23 নম্বর গলির বাসিন্দা ঝুনঝুন সাউ। তার বয়স আনুমানিক 35 বছর। জগদ্দল জে জে আই জুট মিলের শ্রমিক ছিলেন। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ভুল ইঞ্জেকশন দেওয়ায় ঝুনঝুনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পর হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখায় মৃতের পরিবার। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতালে মৃদু ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে মৃতের পরিবার পরিজনদের বিরুদ্ধে। উত্তেজনার খবর পেয়ে হাসপাতালে আসেন ভাটপাড়ার পুর প্রশাসক গোপাল রাউত। তিনি ঘটনা নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। অবশেষে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সামাল দেয় জগদ্দল থানার পুলিশ। সুনিতা দাসের রিপোর্ট, খাস খবর বাংলা ওয়ান। अरे हो गया। पेशेंट का उम्र 32 साल है। अच्छा। जिन्नी साहब नाम है। अच्छा। कोई नशा पता इसका नहीं है। अच्छा। सिंपल लड़का है। उसका सीने में दर्द हुआ रहा। उसका भाई और दोस्त लोग लेकर आया है, साथ में ढुक गया है। अच्छा। तो उसको कोई सुई दिया है, उसको पता नहीं कोई सुई दिया है। बोला है कि इसको एक डेढ़ घंटा रेस्ट ले दो। अच्छा। तो उसका अवस्था और खराब हो गया, दो को पेशाब भी हो गया। अच्छा। ठीक है, दो को पेशाब हो गया तो मैंने मतलब पेशेंट ठीक है। दो को पेशाब होने के बाद क्या किया है, डॉक्टर का जाकर बोला है लोग आइए देखिए, तो बोलता है काम नाश्ता करेगा। अभी नाश्ता किया है, डेढ़ घंटा के बाद आया है नाश्ता करके आया है। उसका नाश्ता अवस्था खराब हो गया है। और हम लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ बताए, अभी ठीक है। लास्ट में बताया उसका हट गया है, बेनिस्टो के घर। हम लोग बोले जो सुई दिया है उसको सिल दीजिए, नहीं दे रहा था। जब उसको निकाले हैं तो क्या किया है, हाथ से छीन करो जाकर साइड में काट रहा था। जो दवा सुई दिया है उसको दिया था काटेगा है, भूल इंजेक्शन हाँ भूल दिया जाकर उसको सुई को काट रहा था दूसरा सुई लिख रहा था। इसको पकड़े हम लोग इसको पकड़े हैं तो बोलता है डॉक्टर का कि हमारा हार्ट अटैक हमारा उसका बाना मार रहा है कि हमारा हार्ट अटैक आ जाएगा। उसका सबसे बड़ा भूल है कि वो सुई दिया है गलत सुई। हाँ, जब सुई दिया है गलत तो उसको काटेगा है, उसको काट का इसका अब क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। दो का बच्चा है, उसका घर कैसे चलेगा, क्या होगा। अभी हॉस्पिटल बताए। आपका नाम? पिंटू साहब। अब क्या है उसका मतलब बड़ा भैया है मतलब और पेट नीचे से दर्द होते थे और छोटे दादा लिए थे ये डॉक्टर बाबा से उल्टा पुल्टा सुई दिए मेरे दिए। हाँ। वो छोटा छोटा बच्चा थे केरी को फुट पल मार देते थे। बोले कभी फुट पे थे साढ़े आठ सौ साढ़े पंद्रह। की नाम? झुंझुन साहु। झुंझुन साहु। उम्र कत? আপনি কি রঘুনাথপুর শহরের মধ্যে কিংবা শহরতলির বাইরে নিরিবিলি পরিবেশে জায়গা কেনার কথা ভাবছেন? এমন একটি স্থানে জায়গা কিনতে যেখানে খুব কম সময়ে পৌঁছানো যাবে রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড, স্কুল, কলেজ কিংবা বাজার, তাহলে আর খোঁজাখুঁজি নয়। রঘুনাথপুর শহরের মাঝে রঘুনাথপুর আইটিআই সংলগ্ন স্থানে রঘুনাথপুর এলাকার 11 নম্বর ওয়ার্ডে কিংবা রঘুনাথপুর এসটি অফিস নিকটস্থ এলাকায় জমি কিনতে হলে এখনই যোগাযোগ করুন। এই জায়গাগুলির থেকে কয়েক কিলোমিটারের মধ্যেই রয়েছে রেল স্টেশন, কলেজ, স্কুল, পার্ক, থানা, আদালত, হাট, বাজার থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তাই সুন্দর ও নিরিবিলি পরিবেশে কিংবা শহরের মধ্যবর্তী স্থানে জায়গা কিনতে সরাসরি যোগাযোগ করুন মালিকের সাথে। আমাদের সম্পর্ক ফোন নাম্বারটি হল 9932838325। উল্লেখ্য, রঘুনাথপুর আইটিআই নিকটস্থ জমিটি 18 ফুট রাস্তার উপর রয়েছে। তাই অন্য কারোর মারফতে নয়, সঠিক ও ন্যায্য মূল্যে জমি ক্রয় করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জমির মালিকের সাথে। আমাদের সম্পর্ক ফোন নাম্বারটি হল 9932838325।